अस्सलाम वालेकुम। ये लिया है मैंने 3 एग। तो आज हम बनाएंगे मैंगो फ्लेवर का केक, जिसके मुझे तो बहुत वेट था। आप सबको था या नहीं वो कमेंट करके बताना। और 3 एग लिया है, 3 एग के साथ मैंने डाला है 1 इंच, क्योंकि और फिर ये इमल्शन है मैंने मैंगो फ्लेवर का, और इसमें कलर भी होता है और एसेंस भी होती है, तो ये बहुत बेस्ट होता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब दो बार काम करना नहीं पड़ता है। एक ही बॉटल ओपन करो और दोनों भी कलर भी डाल दो और भी डाल दो, बेस्ट होता है। अब मैंने थोड़ा सा इसको मिक्स किया है, मिक्स करने के बाद डाल दिया 80 ग्राम शुगर है, तो उसमें 90 ग्राम होता है। बट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना शुगर, मतलब 90 ग्राम या 80 या 70 ग्राम जितना यूज़ करना हो आप कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने फटाफट से कर लिया था बीट। बीट करने के बाद इसमें हम डालेंगे मैदा। मैदा लिया है मैंने 90 ग्राम, और 1 स्पून से भी एकदम थोड़ा सा लिया है बेकिंग पाउडर, और मैंने छान लिया था। और छानने के बाद अब मैंने इस पर कर दिया है ट्रांसफ़र, और एकदम स्लोली स्लोली। और इसका आप थिकनेस देख रहे हैं बैटर का, कितना ज़्यादा अच्छा है, एकदम क्रीमी, ऐसा लग रहा है मैंगो का पल्प है। और इसे हम कट एंड फोल्ड मेथड से अच्छे से एकदम स्लो स्लो से इसको हम मिक्स करेंगे। फटाफट से करेंगे तो हो जाएगा आपका स्पॉन्ज का बैटर ख़राब, इसलिए आराम से स्लोली करेंगे। और इसका कलर आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और मतलब मैं मिक्स करे जा रही थी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। मेरा तो फेवरेट है मैंगो, आप सबका है या नहीं? इसलिए मेरा मतलब चॉकलेट फेवरेट था केक, मैंगो भी हो, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। अच्छा आप भी कभी ट्राई करना, भी खा का बहुत ही नाइस फ्लेवर के केक का। और ये मैंने इसे मिक्स कर लिया है, अब इसमें दूध और जो ऑयल है उसे मिक्स करेंगे। मिल्क ऑयल मिक्स करने से पहले इसे हम अच्छे से चेक कर लेंगे, अंदर जो मैदा है वो उसके लम्स तो नहीं है, कोई गुठलियाँ तो नहीं है। ये देखिए थोड़ी बहुत सी थी, उसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने का जो मेथड होता है ना बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अच्छे से मिक्स नहीं होगा तो आपका केक फूलेगा नहीं। और मेरा केक तो बहुत ही अच्छा फूला था और बहुत ही स्पॉन्जी एकदम टेस्टी सा बन गया था, क्योंकि मुझे ये ऑर्डर का ही केक था। तो मैंने उसका स्पॉन्ज बनाने से पहले आपके साथ शेयर कर लिया था, ये वीडियो बना ली थी ताकि आपके साथ शेयर कर सकूं। और इसमें मैंने दूध और तेल डालकर अच्छे से फिर से कर लेंगे मिक्स, और इसे सेम प्रोसेस से कट एंड फोल्ड मेथड से इसे मिक्स करेंगे। घाई बिल्कुल नहीं करेंगे, आराम से करेंगे। और स्लोली स्लोली करने से क्या होता है, अच्छे से ऑयल मिल जाएगा, मिल ज़रा भी ऊपर ऑयल नहीं दिखना चाहिए। दिखने से क्या है ना, ऑयल जम जाएगा और ऊपर परत जाएगी, ऊपर आपको सा लगेगा, इसलिए मिक्स जरूरी है। और इसके साथ मोल्ड ट्रांसफर टाइप कर भी बहुत जरूरी है। ये देखिए मिक्स कर रहे हैं इतने अच्छे से, और इसका आपको रेसिपी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना बता दूँ। इस टाइम कौन से फ्लेवर स्पॉन्ज बनाऊँ और शेयर करूँ आपके साथ, मुझे तो बहुत ही मज़ा आ गया। मतलब मैंने ओवन रखा था बेक करने के लिए, पूरे घर में मैंगो मैंगो की खुशबू, जैसे कि मैंगो कट होता है तो कैसे खुशबू आती है, वैसे ही पूरे मैंगो की खुशबू फैल गई थी और यहाँ तक कि फ्रिज में। और इसके बाद ऐसा कि क्लाइंट कट करने वाले थे 12 बजे केक को, और उन्होंने कट कर लिया 9:30 बजे ही। और ये मैंने लिया है हमारा मोल्ड, उसमें मैंने बेकिंग पेपर लगा के रख दिया था पहले से ही। और इसकी देखिए थिकनेस, और कि और ये रिबन जैसा देखिए कैसे गिर रहा है ना, ये हमारा परफेक्ट बैटर होता है। एकदम पतला भी नहीं होना चाहिए और एकदम गाढ़ा भी नहीं, बिल्कुल इस मेथड को आप यूज़ करेंगे तो आप कभी केक की जो रिबन है ऐसी एकदम वाओ। और इसका देखिए हमने ट्रांसफर लिया है, ऐसा लग रहा है ना मैंगो बल्ब ट्रांसफ़र कर रहे हैं ऐसे। फिक्स फिर बाद हम इसे क्लीन करके बोल में डाल लेंगे, डालने के बाद इसे टैप टैप करेंगे। टैप टैप करने का प्रोसेस जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बबल्स होते हैं जो भी इसमें एयर होती है सब कुछ निकल जाता है। मैंने इतना टैप कर ओवन के पास जाकर थोड़ा सा टैप किया था, रख दिया ओवन बेक करने के लिए। 180 मैंने 15 मिनट बेक। और ये देखिए साथ में मैंने बनाया था जो मैंगो हमारा है ऊपर डेकोरेट किया था मैंने, उस पर डेकोरेट करने के लिए थोड़े से पल्प भी मैंगो के पीस के ग्राइंड करके रख लिया था मैं।